तो भारत ने बता दिया पाकिस्तान को नापाक इरादे क्या, किस तरीके से भारत की सेना ने कश्मीर जिसे पाकिस्तान कहता है, पाक अधिकृत कश्मीर जिसकी बात करते हैं, आजाद कश्मीर, उरी के अंदर 18 जवानों को जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने मारा था, जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया था छुपकर, भारत के जवानों ने, भारत की सेना ने उसी तरीके से पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर उनके 4 सेक्टर में वहां के आतंकवादी कैंपों को सफाया करा, इसकी घोषणा भी कर दी, और ये निश्चित रूप से भारत ने पाकिस्तान को बता दिया, या तो अब भी समझ जाओ नहीं तो भारत की सेना तुम्हारा हिसाब चुकता करने के लिए तैयार है। ये फैसला भारत की सरकार का, भारत की फौज का निश्चित रूप से उस तरह है कि ये उरी के हमले में जो जिस तरीके से आतंकवादियों ने फौजी को मारा है, उन फौजियों की शहादत को सलाम करते हैं। पर जय हिंद वंदे मातरम के साथ में बात करते हैं पत्रिका ग्रुप के डिप्टी एडिटर गोविंद चतुर्वेदी से, वो क्या मानते हैं इस हमले को लेकर। जी सर, नेवरुक्रम जी, ये हमला जो था ये बहुत दिनों से जरूरी था, बहुत दिनों से नहीं आप कहिए बहुत सालों से जरूरी था। जिस तरह से पाकिस्तान पिछले कई सालों से आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहा था, उनको बढ़ावा दे रहा था, और भारत के लगातार कहने के बावजूद वो उस पर निगाह नहीं दे रहा था, उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा था, उरी का हमला उसने तो ये मान लीजिए कि वो आखिरी आहूति थी पाकिस्तान की तरफ से, और उसके बाद जो करना था फिर भारत को करना था, भारत के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, और जो किया वो बिल्कुल सही किया, सही समय पर किया, और उम्मीद की जानी चाहिए कि पाकिस्तान इसके बाद संभलने की कोशिश करेगा, चीजों को समझेगा, भारत की शांति की जो मन स्थिति है उसका वो नाजायज फायदा नहीं उठाएगा। अगर वो नहीं माना तो फिर आप सोच लीजिए कि पहले पहले जितनी भी चीजें हुई हैं, चाहे वो भारत और बांग्लादेश की लड़ाई हो, चाहे वो करगिल की लड़ाई हो, भारतीय फौजें जो आपने कहा वाकई में सलाम करने लायक है, वो किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। अरुण जी, आप क्या मानते हैं? गोविंद जी ने तो साफ तौर पर कह दिया कि भारत तैयार है पूरी तरीके से, सोचना पाकिस्तान को है, और आप क्या सोचते हैं? मेरा इस बारे में स्पष्ट मानना है कि देर आए दुरुस्त आए। जो कार्रवाई सालों पहले जब पाकिस्तान ने जो आतंकवाद के बीज बोए भारत में, पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां एक के बाद एक कर रहा था, संसद पे हमला, मुंबई पे हुआ हमला, उसने हमारी अस्मिता को एक बार नहीं अनेकों बार ललकारा, देश को लगा, देशवासियों को लगा, सरकारों से उम्मीद बंधी कि भारत सरकार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी, लेकिन कूटनीतिक कारण कहिए या हमारी संभल के चलने की रणनीति कहिए, या हम एक और युद्ध नहीं चाहते एशिया में, इसको देखते हुए भारत ने जो संयम बरता वो काबिले तारीफ था। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला जाए तो किसी भी देश में 125 करोड़ का मुल्क चुपचाप बैठा रहे यह दुनिया भी नहीं स्वीकार कर सकती और भारत की जनता भी नहीं। भारत ने जो पाकिस्तान को उरी हमले का करारा जवाब दिया वो एक संकेत है इस बात का कि भारत जब तक शांति से बैठना चाहे बैठा रहा तब तक बैठा रहा, लेकिन पाकिस्तान अगर अपने आंतरिक गतिविधियों को, वहाँ के जो आतंकारी संगठन है उनको प्रश्रय देना, ISI और पाकिस्तानी सेना के गठजोड़, उसके दबाव के चलते भारत पर जो यह कार्रवाई करता रहा है उसका जवाब भारत ने देकर भारतीय जनता को ये बता दिया है, दुनिया को ये बता दिया है कि भारत शांत रहने वाला देश है। लेकिन निश्चित रूप से आनंद जी निश्चित रूप से कि ये साफ तौर पे हो गया, गोविंद जी से बात हुई, आनंद जी से बात हुई, ये बात तो साफ कर दी भारत अब शांत बैठने वाला नहीं है, भारत शांत नहीं बैठेगा। इसके संकेत भी गोविंद जी अभी कुछ दिनों पहले दिए, भारत की कूटनीति ने बड़ा काम किया। आप बताएं कि सार्क देशों वाला जो मामला था पाकिस्तान में हो रहा था और भारत ने एकदम से इस पे स्टेप उठाया, इस स्टेप को आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आप देखते हैं तो किस तरीके से मानते हैं? नहीं, सार्क वाला स्टेप ठीक है, और जो हमारी एक नीति है जब बीच में हमने थोड़ी बहुत रियायत दी उस नीति में देने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि उसने भी पाकिस्तान के हौसलों को बढ़ाने का काम किया होगा। लेकिन अगर आप मेरे साथ शांति से नहीं रहना चाहते तो फिर मेरे पास कोई विकल्प नहीं है कि वो चाहे सार्क देशों की बात हो, ये चाहे सिंधु जल समझौते की बात हो, कि मुझे एक के बाद एक चीजों पर विचार करना पड़ेगा। मैं निर्णय जो करूं देश के हित में करूंगा, देश के हिसाब से करूंगा। तो भारत की सरकार ने भी वो निर्णय भी नहीं किए कि वो सिंधु जल संधि को तोड़ने जा रही है या तोड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान को यह बताना बहुत जरूरी है कि हम कहां तक जा सकते हैं। सार्क सम्मेलन का स्थगित होना ये बिल्कुल इस बात का प्रमाण है कि भारत के साथ लोग जुड़ रहे हैं, जो पड़ोसी देश हैं वो पाकिस्तान, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं शिकार है, नेपाल भी शिकार है पाकिस्तान के उस आतंकवाद का, बांग्लादेश भी पाकिस्तान के आतंकवाद का शिकार आज भी है, वो तो बना ही उसी के
मतलब एक तरह से मान लीजिए जो आतंकी गतिविधियां थी पाकिस्तान की 71 में जब पाकिस्तान बना, चुनाव हो गए, सरकार बन गई, सरकार के गठन की स्थिति आ गई, और तब जब पाकिस्तान के हुक्मरानों ने मुजीबुर रहमान को सत्ता नहीं सौंपी तो फिर कोई रास्ता नहीं था बांग्लादेश के उस हिस्से के, पाकिस्तान के उस हिस्से के बाद जो बाद में बांग्लादेश बना। इसलिए ये सारी चीजें अभी यूनाइटेड नेशंस की आप बात कर लीजिए, संयुक्त राष्ट्र आम सभा जो थी उस आम सभा में भारत के साथ जिस तरह से लोग बोले, काफी लोग भारत के साथ बोले, दुनिया धीरे धीरे समझ रही है। अब समझना अल्टीमेटली मैं दोबारा फिर कहूंगा कि पाकिस्तान को है कि वो भारत के साथ भाईचारे के साथ रहना चाहता है या वो अपने आप को समाप्त कराने की तरफ एक कदम और बढ़ाना चाहता है। मतलब साफ तौर पर गोविंद जी का जितना वर्षों का अनुभव है जर्नलिज्म का, वो उस अनुभव ने साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि जिस तरीके से भारत अपनी चालें चल रहा है, और निश्चित रूप से वो स्वयं का प्रयास नहीं है, ये पाकिस्तान जो मान नहीं रहा उसके कारण भारत को ये सब करना पड़ रहा है। नहीं, भारत तो सदैव ही शांति का दूत के रूप में उसने काम किया है, भारत ने तो जिस तरीके की बात की जाती है। बिल्कुल और विक्रम जी, हमने आज के पहले जब जब भी लड़ाइयां हुई हैं, ये मान लीजिए कि वो लड़ाई पर आमादा पाकिस्तान हुआ, चाहे वो आजादी के तुरंत बाद का कबायली हमला हो, चाहे 65 की लड़ाई हो, चाहे 71 की लड़ाई हो या करगिल लड़ाई हो, पहल पाकिस्तान ने की और समाप्त उसको हमने किया। मैं यहां पर आपका एक मिनट का समय लेकर के एक चीज कोट करना चाहता हूं कि जिस परमाणु कार्यक्रम की दुनिया आज बात कर रही है और जिस परमाणु कार्यक्रम के बल पर पाकिस्तान भी अपने आप को 30 मार्खा बताने की कोशिश कर रहा है, जब 1974 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहला परमाणु परीक्षण किया और भारत घोषित हुआ कि दुनिया के परमाणु राष्ट्रों में शामिल है, उस समय दुनिया के बहुत से देशों ने हमारी तरफ आंख दिखाई थी। इसके बाद जब दूसरी बार वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में ऑपरेशन हुआ तब भी दुनिया ने अपनी तरह से आंखें दिखाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने यह दिखाया और उसके बाद भी आज तक हमने कहीं उनका यूज नहीं किया। 99 में जिस समय लड़ाई हुई थी करगिल वाली, ये अखबारी रिपोर्टें हैं और उनको उतना ही भरोसा किया जाना चाहिए जितने भरोसे के साथ हम बात कर रहे हैं कि उस समय के हमले के बाद जब भारत करगिल में जवाब दे दिया पुख्ता और पाकिस्तान के शासक पहुंचे अमरीकी शासकों के पास, अमरीका के पास, और वहां जाके उन्होंने कहा कि अमरीका ने भी भारत को ये आंख दिखाते हुए कहने की कोशिश की कि हमारे पास परमाणु शक्ति है, पाकिस्तान के पास परमाणु शक्ति है, लड़ाई हुई तो पाकिस्तान उसका इस्तेमाल कर सकता है। तब के वाजपेयी जी के कहे हुए शब्दों को जो पढ़े हुए हैं उनको मैं यहाँ उद्धत करता हूँ कि ठीक है, शुरुआत पाकिस्तान करेगा परमाणु लड़ाई की, लेकिन फिर उसका खात्मा हिंदुस्तान करेगा और पाकिस्तान के पास बचने को कुछ होगा नहीं, हिंदुस्तान का जितना नुकसान होगा होगा, लेकिन हिंदुस्तान इतिहास में फिर भी रहेगा। यह बात तो साफ है कि जब हिंदुस्तान की बात आती है, देश की बात आती है, हिंदू सिख ईसाई और मुस्लिम सब एक साथ खड़ा हो जाता है और भारत 125 करोड़ के जवानों के साथ में मुकाबला करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की बात करें तो इसकी 1/5 1/4 शायद जनसंख्या होगी, क्षेत्रफल की बात करें तो वो भी शायद 1/4 होगा। पाकिस्तान पे यदि अटैक किया तो पाकिस्तान का ही सफाया होगा, लेकिन अब वक्त आ चुका है हिंदुस्तान का। हर आदमी के दिमाग में अब सिर्फ एक चीज है, आर पार की लड़ाई कर दो, बता दो कितने भी इनके हुक्मरानों को कि अब और नहीं, जवानों का खून यूं नहीं बहेगा। मोदी जी ने साफ कहा है पानी और खून दोनों साथ नहीं बह सकते, ये सच है। और जरा सा सिर्फ सिंधु जल समझौते को गोविंद जी और आनंद जी आप तो जानते हैं कि जिस तरीके से एक खाली बताया फेंका मार्केट के अंदर कि हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं, उसको लेकर वो विश्व बैंक के पास पहुंच गया, अंतर्राष्ट्रीय मंच के पास पहुंच गया, दोनों देश एक समय आजाद हुए, भारत कहां तरक्की करके पहुंच गया और मुल्क पाकिस्तान आज भी उसी गर्त में पड़ा हुआ है। आप क्या मानते हैं कि इस तरीके की जो स्थितियां हैं उससे अब आने वाला समय कहां ले जाएगा पाकिस्तान को? पाकिस्तान पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ा हुआ देश रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक जमाना था जब कोल्ड वार हुआ करता था, भारत रशिया के साथ माना जाता था, पाकिस्तान अमेरिका के साथ माना जाता था, वो दौर बहुत पहले खत्म हो चुका है। और आज ये जो उरी की घटना हुई है, भारतीय संसद पर हमला हुआ है, उसके बाद में पूरा दुनिया और पूरा देश, ये भारत और पूरी दुनिया समझ गई है कि पाकिस्तान के मंसूबे क्या हैं। पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने की बात तो करता है, लेकिन आतंकवादियों को जिस तरह वो सपोर्ट करता है, चाहे जैसे लश्कर हो, चाहे हक्कानी नेटवर्क हो, अफगानिस्तान या भूटान या बांग्लादेश ने जो अभी सार्क सम्मेलन से अलग रहने का फैसला किया, उसके पीछे भारत बड़ा देश ये कोई कारण नहीं है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान की जो गतिविधियां हैं, पाकिस्तान की कथनी और करनी में जो अंतर है, उससे पूरे दक्षिण एशिया सार्क जो देश है वो प्रभावित हो रहे हैं।
और भारत जो MFN का दर्जा जो मोस्ट फेवर्ड नेशन पाकिस्तान से अगर ले लेता है, सिंधु जल वाली बात अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पाकिस्तान ले जा रहा है, जिस भी मुद्दे पर जिस भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान अलग थलग पड़ेगा तो इसका नुकसान पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और ये सिर्फ सार्क की बात नहीं है, संयुक्त राष्ट्र हो, सार्क हो या और अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, वहाँ पाकिस्तान का अलग थलग पड़ना उसे एक ऐसी स्थिति में ले जाएगा जिससे पाकिस्तान के लिए उभरना बहुत जल्दी आसान नहीं होगा। जैसे अनंत जी आप बता रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले गया, जहां तक मेरी जानकारी है भारत के खिलाफ पाकिस्तान 4 बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर, और हर बार उसने मुंह की खाई है। गोजी साहब आपका क्या मानना है इस मैर में? नहीं अनुक्रम जी, पाकिस्तान ने हमेशा मुंह की खाई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मानने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस मौके पर एक चीज जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि भारत को, भारत की सरकार को ये जरूर तय करना चाहिए कि कौन उसके दोस्त हैं और कौन उसके दुश्मन हैं। जो दोस्त हों उनको दोस्तों की तरह रखें, उनको दोस्तों की तरह समर्थन दें। इस मौके पर फिर एक मैं उदाहरण आपके सामने रखता हूं 1971 की लड़ाई का, जिस समय पाकिस्तान बिल्कुल खात्मे की ओर था और ये हो रहा था कि भारतीय फौजें कराची और लाहौर कभी भी पहुंच सकती हैं। उस दौर में अमरीका की तरफ से कहा गया कि 7वां बेड़ा भेजा जा रहा है हिंद महासागर में भारत के खिलाफ लड़ने के लिए, और उस समय की प्रधानमंत्री और उस समय का भारत का दोस्त रशिया USSR जो था उसने पूरी ताकत दिखाई, हम पूरी मजबूती के साथ साथ रहे। तो जरूरत आज के समय में यह भी है कि हम दुनिया में अपने दोस्तों को पहचानें, दोस्तों के साथ खड़े हों और उसमें कहीं भी कोई रियायत किसी के साथ बरतने की जरूरत नहीं। दोस्ती का पैगाम हम लेकर चलते हैं दुनिया के सामने, और दुनिया के सामने पिछले कुछ समय में हमने दिखा भी दिया कि हमारे दोस्ती के पैगाम ने कितना असर दिखाया। अमेरिका जो कल तक हमें आंख दिखाता है, हमारे कंधे पर कंधा रख के साथ चलने को तैयार है। इधर रूस की बात करें, जापान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अब तो नाइजीरिया भी हमारे साथ आने को तैयार है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल जो छोटे छोटे देश थे, ये भी आतंकवाद से त्रस्त होके अब भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। लेकिन ये नापाक पाकिस्तान के इरादे अभी भी नहीं सुधरे हैं। इसे तो सुधारने के लिए अब जरूरी है कर दो हमला। अब देश क्या कहता है तय करे देश। नमस्कार।